हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको दो वीडियो दिखाने वाले। एक अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर रैली निकाली गई बड़वानी में और मांग की गई कि अतिथि शिक्षकों का जल्द जल्द नियमितीकरण किया जाए, और दूसरा बोला गया आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नियमित किया है। मैं दोनों वीडियो को आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। इसमें बोला गया 28,500 तनख्वाह दी जाए अतिथि शिक्षकों को और आउटसोर्स कर्मचारियों को, ठीक है। मांग की जा रही है सरकार से, पूरा वीडियो देख के कुशल कंप्यूटर ऑपरेटर को 28,500 तनख्वाह दे दीजिए, ये ना। क्या पूरे मध्य प्रदेश में किसी को 28,500 तनख्वाह मिलती है? नहीं मिलती। हमको वो 28,500 तनख्वाह लेनी, और ये मिल सकती है, ये मिल सकती है। क्यों क्यों मिल सकती है? क्योंकि सरकार 28,500 रुपए तनख्वाह दे रही है, लेकिन आपका 15,000 रुपए की चोरी सरकार और ठेकेदार मिलकर कर रहे हैं। हमें उस चोरी को रोकना है। अब उस चोरी को कोई एक नहीं रोक सकता कि स्कूल के कंप्यूटर ऑपरेटर रोक लेंगे, या व्यावसायिक शिक्षक रोक लेंगे, या सहकार दुख संघ के कर्मचारी रोक लेंगे, या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी रोक लेंगे। ये कोई नहीं रोक सकता, सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। इसलिए हमने 18 दिसंबर को भोपाल में हल्ला बोल आंदोलन की घोषणा की है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से 1,00,000 लोग इकट्ठे होने वाले हैं। और इसकी घोषणा हमने कटनी में की थी। कटनी में हमने जो 28,000 का वेतन का मुद्दा उठाया था, जहां पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा में आ गया है। कल भोपाल के तमाम सारे वेब पोर्टल ने उसको खबर बनाया है। बड़ी पहली बार आउटसोर्स बड़ी खबर बन रहा है मध्य प्रदेश में। और ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं कौन? हम सब लोग इस समाज के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के लड़कियां हैं जो काम करते हैं कि नहीं है? लेकिन इन्होंने हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवारों के आर्थिक विकास के रास्ते को भी बंद कर दिया है आउटसोर्स प्रथा लागू करके। और ये आउटसोर्स प्रथा लागू करके जो हमारे आर्थिक विकास का रास्ता बंद किया है, हमें उसको खुलवाना है। माननीय कमलनाथ जी एकमात्र ऐसे नेता है इस मध्य प्रदेश के जिन्होंने पहली बार 2017 में आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में सोचा था और उनकी बात की, और 2018 के चुनाव के वचन पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागों में संविलियन की बात लिखी थी। आप लोगों ने वचन पत्र की इस बात को सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। एकमात्र नेता है माननीय कमलनाथ जी जिन्होंने पहली बार आउटसोर्स के बारे में बात की। आप लोगों को, आप लोग तमाम सारे नेताओं के भाषण सुनते हैं, तमाम सारे मंत्रियों के भाषण सुनते हैं, कभी